हेलो पढ़ाई करने वाले मित्रों, मैं डॉक्टर भारती परमार अपने लर्निंग प्लेटफॉर्म विजुअल आर्ट एंड जीके ट्यूटोरियल में आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज का वीडियो है भारतीय समकालीन कलाकार के एस कुलकर्णी जी के ऊपर प्रश्नोत्तर का, और ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि इस एक वीडियो में मैंने के एस कुलकर्णी की जी के ऊपर जितने प्रश्न बन सकते हैं परीक्षा के संबंधी, वो सब कवर करने की कोशिश की है और सारा उनका कला परिचय इसमें समाहित है और प्रयास किया है कि ये आपके कला परीक्षा के लिए उपयोगी हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही आप मेरे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और भी कलाकारों का कला परिचय और प्रश्नोत्तर के वीडियो भी आप देख सकते हैं, उसका लिंक आपको मिल जाएगा। और साथ ही आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाएं, वहाँ पर शॉर्ट्स देखें, वो आपके कम टाइम में काफ़ी सारे रिवीजन के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। तो आइए जानते हैं भारतीय समकालीन कलाकार के एस कुलकर्णी जी के ऊपर आधारित प्रश्नोत्तरों को। पहला प्रश्न है के एस कुलकर्णी का पूरा नाम है। दोस्तों, आंसर बताने से पहले आपसे कहना चाहूँगी कि अगर आपका कला परिचय पढ़ा हुआ है कहीं से तो आप प्रश्नों को मेरे साथ सॉल्व करते जाइए, तो आप बताइएगा आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं के एस कुलकर्णी जी के ऊपर। और अगर आपने अगर उनके कला परिचय को अभी तक नहीं जाना है तो इस प्रश्नोत्तर से आप काफ़ी कुछ जान जाएंगे। तो पहला प्रश्न है के एस कुलकर्णी का पूरा नाम है, तो आंसर है इसका ऑप्शन ए, कृष्ण श्यामराव कुलकर्णी। ऑप्शन ए है इसका आंसर। अगला प्रश्न है के एस कुलकर्णी को क्या कहा जाता है, तो इनको कहा जाता है कला गुरु भी, कला मनीषी भी और कला ऋषि भी, ये सभी नाम हैं इनके। आंसर है ऑप्शन डी, इन सभी नामों से इनको पुकारा जाता था। अगला प्रश्न है के एस कुलकर्णी का जन्म कहाँ हुआ था, तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, कर्नाटक। कर्नाटक में इनका जन्म हुआ था। अगला प्रश्न है के एस कुलकर्णी का जन्म वर्ष है, तो दोस्तों आपको यहाँ बता दूं मैं कि आप अगर गूगल पे देखेंगे तो 1918 दिया हुआ है एक जगह पर, लेकिन वो गलत है क्योंकि मैंने 3-4 जगह से इसको वेरीफाई किया है, तो इनका जो जन्म वर्ष है वो 1916 है। आंसर है ऑप्शन बी, 1916। अगला प्रश्न है के एस कुलकर्णी की कला शिक्षा कहाँ से हुई, तो इन्होंने अपनी पढ़ाई की थी जे स्कूल ऑफ आर्ट मुंबई से। आंसर है ऑप्शन ए, मुंबई। अगला प्रश्न है 1945 में के एस कुलकर्णी ने कहाँ अध्यापन किया, तो 1945 में इन्होंने अध्यापन कार्य किया था दिल्ली पॉलिटेक्निक में। आंसर है ऑप्शन बी, दिल्ली पॉलिटेक्निक। अगला प्रश्न है के एस कुलकर्णी किस कला समूह के सदस्य थे, तो ये सदस्य थे दिल्ली शिल्पी चक्र के। आंसर है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है के एस कुलकर्णी ने किस वर्ष त्रिवेणी कला संगम की स्थापना की, तो ये स्थापना की थी इन्होंने 1948 में। आंसर है ऑप्शन ए, और ये प्रश्न अभी TGT में आया भी था कि किसने स्थापना की थी, तो किसने की थी, तो हो गया के एस कुलकर्णी जी ने, और कब की थी, तो 1948 में स्थापना की थी त्रिवेणी कला संगम की दिल्ली में। अगला है के एस कुलकर्णी की पहचान किस रूप में अधिक रही, कला समीक्षक, चित्रकार, कला संस्थापक या कला गुरु, तो इन्होंने जो अपनी पहचान बनाई मुख्य रूप से वो बनाई कला संस्थापक के रूप में। चित्रकार तो कलाकार तो थे ही, लेकिन उन्होंने कला संस्थाओं की स्थापना की थी, तो इस नाम से इन्हें जाना जाता है कि कला संस्थापक थे के एस कुलकर्णी जी। अगला है अगस्त सेजान व जॉन सर्जन से प्रभावित कलाकार थे, तो हम कुलकर्णी जी के बारे में पढ़ रहे हैं, तो आंसर यही है के एस कुलकर्णी। अगला प्रश्न है के एस कुलकर्णी को किस वर्ष साहित्य कला अकादमी का परिषद सम्मान प्राप्त हुआ था, तो ये मिला था उन्हें 1986 में। आंसर है ऑप्शन ए, 1986। अगला प्रश्न है के एस कुलकर्णी के लिए कौन सी सभ्यताएं प्रेरणा स्रोत रही, तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, माया और इनका सभ्यताओं से ये प्रभावित थे। अगला प्रश्न है के एस कुलकर्णी को कितनी बार ललित कला अकादमी का पुरस्कार प्राप्त हुआ था, तो ये पुरस्कार मिला था उन्हें 3 बार। आंसर है ऑप्शन बी, 3 बार मिला था इनको। मैं आपको वर्ष भी बता देती हूँ कि 3 वर्ष वो कौन कौन से थे जिसमें इन्हें पुरस्कार मिला था, तो ये पुरस्कार मिला था इन्हें 55 में पहली बार, फिर 62 में, और फिर मिला था 65 में। 3 बार राष्ट्रीय पुरस्कार इन्हें मिला है। अगला प्रश्न है के एस कुलकर्णी किस वर्ष
बीएचयू में डीन रहे। तो ये डीन बने थे 1972 में और 78 तक इस पद पर रहे। अगला प्रश्न है के एस कुलकर्णी किस वर्ष राज्य ललित कला अकादमी उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष रहे। तो ये राज्य ललित कला अकादमी उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष भी थे, यहाँ पर ऑप्शन गलत हो गया है, ये बने थे 73 से 79 तक। आंसर है 1973 से 79 तक ये राज्य ललित कला अकादमी उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष रहे, 73 से 79 तक। अगला प्रश्न है के एस कुलकर्णी का मूर्ति शिल्प भेड़ चराने वाला लड़का किस माध्यम में बना है। तो ये बना है मूर्ति शिल्प सेरेमिक में, इन्होंने मूर्तियां भी बनाई हैं और ये सेरेमिक माध्यम में इन्होंने बनाया है। अगला प्रश्न है के एस कुलकर्णी का जो उन्होंने चित्र बनाया है सजी धजी औरत 86 में और लड़की 81 में का माध्यम क्या है। ये दोनों चित्र जो उन्होंने बनाए हैं इनका माध्यम है तेल रंग। आंसर है ऑप्शन ए तेल रंग। अगला प्रश्न है के एस कुलकर्णी का चित्र बालिकाएं घड़े के साथ तेल माध्यम में कहाँ संग्रहित है। तो ये चित्र है नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट यानी कि NGMA में संग्रहित। आंसर है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है के एस कुलकर्णी द्वारा निर्मित चित्र मुखोटा जो उन्होंने बनाया है वो राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय में संग्रहित है, लेकिन इसका माध्यम पूछा गया है तो इसका माध्यम है बोर्ड पर तेल। बोर्ड पर तेल रंग से इन्होंने ये चित्र बनाया है मुखोटा। अगला प्रश्न है के एस कुलकर्णी पर किस वर्ष वेनेसा एच स्मिथ ने फिल्म बनाई। इनके ऊपर एक शॉर्ट मूवी बनी है 1996 में बनाई है ये मूवी वेनेसा एच स्मिथ ने 1996 में। अगला है के एस कुलकर्णी पर वर्ष 2005 में निर्मित फिल्म का नाम क्या है। एक मूवी और बनी है जो 2005 में बनी है और उस मूवी का नाम है सेंटली ग्रेट मास्टर। आंसर है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है के एस कुलकर्णी द्वारा निर्मित चित्र पनघट पर पनिहारी ने जो कागज पर टेम्परा माध्यम में बनाया है ये कहाँ संग्रहित है। तो ये चित्र संग्रहित है आईफेक्स नई दिल्ली में, ऑल इंडिया फाइन आर्ट्स एंड क्राफ्ट सोसाइटी नई दिल्ली में संग्रहित है ये। अगला प्रश्न है के एस कुलकर्णी की मृत्यु किस वर्ष हुई। तो इनकी मृत्यु हुई है 17 अक्टूबर 1994 में, इनकी डेथ 17 अक्टूबर 1994 में हुई है। आंसर है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है के एस कुलकर्णी किस वर्ष समर ओलंपिक कला प्रतियोगिता का हिस्सा रहे। तो जो ओलंपिक होते हैं समर ओलंपिक उसमें आर्ट इवेंट भी होते हैं, तो ये हुए थे जब 1948 में, तब ये इसका हिस्सा रहे थे। आंसर है ऑप्शन बी। तो दोस्तों ये थे महत्वपूर्ण प्रश्न भारतीय कलाकार के एस कुलकर्णी जी के ऊपर आधारित, जिससे इनका पूरा एक परिचय आपको मिल जाता है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो आप प्लीज़ लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो उसे सब्सक्राइब कर लें और कमेंट लिखकर बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। और आपके आने वाली परीक्षा के लिए आपको बेस्ट विशेस, अच्छे से करें आप अपना एग्ज़ाम, पास हों। गुड लक, जय हिंद।